ओडिशा महत्वपूर्ण है और पिछली बार बीजेपी 1 और बीजेडी 20 थी। बिल्कुल, टोटल 21 सीटें हैं जिसमें 20 बीजेडी ने लिए थे, नवीन बाबू के पास गए थे और एक बाल बाल बचने यहाँ पर तीन घोड़े आए हैं और आंकड़े भी आगे लेकर सामने 15 से 19 भारतीय जनता पार्टी 15 से 19 फिर से चौंकाने वाले ये नतीजे, फिर से चौंकाने वाले आंकड़े। कांग्रेस पार्टी 0 से 1 पर और यहाँ पर अगर 15 से 19 बीजेपी को सहायता मिलती है तो ये अपने आप में मतलब कमाल हो जाएगा। और चौकीदारों के सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि इस बार ओडिशा चौंकाने वाला रहेगा। हाँ, विधानसभा के नतीजे अभी हम नहीं दिखा रहे हैं वहां पर भी बीजेपी बहुत आश्वस्त थी कि दोनों जगह डबल इंजन सरकार अपने उसमें कह रही थी, लेकिन कांग्रेस को एक सीट दिख रही है और अन्य लोकसभा में सिर्फ एक सीट उसको 2014 में मिली थी और अब अगर इतनी सीटें मिल जाए, देखिए बीजेडी दो से छह बिल्कुल समेट दिया है बीजेडी को नवीन पटनायक की पार्टी को श्वेता। तो ये संकेत क्या करता है, मतलब क्लीन स्वीप बीजेपी के लिए चारों तरफ से अच्छी खबर कम से कम उत्तर भारत से सामने आ रही है। एनडीए बहुत जश्न मना सकती है अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर ही उसे जश्न मनाना हो, लेकिन ये अभी आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के नतीजे हैं जो आंकड़े हम सामने आपके रख रहे हैं और कम से कम उसके हिसाब से जो अभी तक प्रोजेक्शन आए हैं उसमें बीजेपी यानी एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर है। उड़ीसा से भी 15 से 19, कांग्रेस 0 से 1 और बीजेडी 2 से 6। आशुतोष जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है एक सवाल उसे जरूर ले लेना चाहिए, मतलब आप वो गाना भी है आप जो इतना मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम तो नहीं जिसको छिपा रहे हैं आशुतोष जी, बीजेडी के आंकड़े देखकर या फिर बीजेपी के आंकड़े देखकर आप अम्मी को घेर रहे थे, अब तो देखिए इतनी दूर से ही तन जाने लगे। मुझे मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के कुछ रखने को गाली में ख्याल अच्छा है। वैसे एक ब्राह्मण ने कहा ये साल अच्छा है, बोलिए आगे। देखो मैं तो मैं अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे बिहार में जो फिगर्स दिए गए हैं और जो उड़ीसा में फिगर्स दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये फिगर्स पे मुझे यकीन नहीं है। एग्जिट पोल है तो जाहिर सी बात है, मैं आपके एग्जिट पोल पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे इन फिगर्स पे यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी और उड़ीसा के अंदर ये फिगर्स पलट सकते हैं। संजय जी, बीजेडी का इस तरह से सफाया उड़ीसा में क्या संकेत है अगर ये एग्जिट पोल सही होता? हाँ, वैसे मैं भी नहीं मानता इतना सफाया होगा, लेकिन ये जरूर है बीजेपी जिस तरह से वेस्ट बंगाल में तेजी से उभर के आई है, उड़ीसा में भी उनके उभरने के संकेत बिल्कुल साफ थे और कोई 2-3 महीने में नहीं, हमें साल डेढ़ साल पहले से भी ये संकेत साफ दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन हमने कभी इस तरह का अंदाज नहीं किया। बीजेपी अपने अच्छे कैंडिडेट्स उतारे हैं, उसने संबित पात्रा की भी सीट उसी में शामिल होती है, देखना है कि वो मिलकर भी आए कैंपेन उनका पूरा कवर किया, उड़ीसा के कई इलाकों में गई, लेकिन ये आंकड़ा वाकई चौंका रहा है अभी की इस तरह का आंकड़ा हमारे साथ। अच्छा प्रवक्ता, अच्छा कैंडिडेट भी साबित हो जाएगा ये, शायद बीजेपी को भी यकीन नहीं होगा अगर 26 से 28 सीटें, माफ कीजिएगा, जिस तरह की सीटों का हम 20 के आसपास की सीटों का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। उड़ीसा में बीजेपी को इस तरह की सीटें आती है वो अच्छे कैंडिडेट की वजह से नहीं आती है, वो पार्टी की उफान मोदी की वजह से, ब्रांड मोदी मोदी की वजह से, ये अच्छे कैंडिडेट की वजह से मोदी की वजह से। कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं नल्ली जी क्या कह रहे हैं। ऐसा कभी देखा नहीं है अभी तक 70 साल में कि बिहार में स्ट्राइक रेट 100% हो, 100% हो, 17+17+6 आप देखिए 6, तो अब ये है कि बल्कि 6 से भी ऊपर जा रहा है।